नमस्कार, न्यूज 48 में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। हरियाणा के डबवाली विधानसभा सीट से विधायक नैना चौटाला ने शुक्रवार को अथीन में आयोजित तीज महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर नैना चौटाला ने महिलाओं के साथ झूला झूलकर तीज का पर्व मनाया। विधायक नैना चौटाला ने कहा कि तीज का पर्व बहन और बेटियों का पर्व है। इस पर्व पर भाई बहनों के घर तीज देने के लिए जाते हैं। पलवल जिले में तो तीज का बड़ा ही महत्व है। उन्होंने कहा कि हरियाली तीज पर महिलाएं अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि हरियाली अधिक बढ़े और पर्यावरण हरा भरा रहे। नैना चौटाला ने कहा कि आजकल तो पेड़ पौधों की कमी है। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि हर महिला एक पौधा अवश्य लगाए जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, हरियाली तीज का पर्व खुशी और उल्लास लेकर आए और सभी के जीवन में उन्नति हो। नैना चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन करे इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अगर पार्टी किसी से गठबंधन करेगी तो उसकी सूचना मीडिया के माध्यम से लोगों को दे दी जाएगी। तीज जो है वो बहन बेटियों का होता है। भाई जाते हैं बहनों के घर में, तीज देकर आते हैं। और इस एरिया में तो मैं देखती हूँ कि तीज का बहुत ज्यादा जोर है। और भगवान करे हरियाली दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े, क्योंकि आजकल पेड़ पौधे वैसे ही बहुत कम है। मैं तो महिलाओं से भी यही कहूंगी आज कि जरूर पेड़ पौधे लगाओ। हरियाली तीज बोलते हैं इसको, और अच्छी उन्नति लेकर आए। मेरी नॉलेज में कोई गठबंधन का नहीं है भैया, बिल्कुल भी। और अगर किसी से गठबंधन होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।